हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल वेल्थ केयर एक्सपर्ट में। दोस्तों मैं आपका होस्ट रविंदर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं आपको नीचे चंडीगढ़ की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में अपडेट करता रहता हूं। तो आज मैं आपको बताना जा रहा हूं अपना VR5 रोड। जी हाँ, अभी मैं खड़ा हूँ VR5 रोड। ये आप जानना चाहेंगे कौन सा रोड है, तो ये मेरे बिल्कुल बैक साइड पे है मेडी सिटी। आप देख रहे होंगे मेडी सिटी है, ऊपर से जो ब्रिज है जो ट्रैफिक गो थ्रू हो रहा है ये हमारे मध्य मार्ग की एक्सटेंशन है। जी हाँ, जो PGA वाला रोड है उसकी एक्सटेंशन है और यहीं से एक चौक बनता है। जी हाँ, ब्रिज के नीचे मेडी सिटी, मेडी सिटी के बाद इको सिटी, इको सिटी से अगर आप देखेंगे तो इस साइड को ये हमारा VR5 रोड है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस रोड के ऊपर कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं और उसको क्या प्राइस रहेगा उनका और उसकी लोकेशन, यानी कि ये जो लिंक है VR5 का, ये मध्य मार्ग से दक्षिण मार्ग की जो एक्सटेंशन है, जहाँ जिसको हम स्टेडियम रोड भी बोल देते हैं, ये उसके साथ अटैच हो ऑलमोस्ट हो चुका है। इसका भी काम काफी चल रहा है। पहले आपने देखा होगा कि ये DLF तक बना हुआ था, उसके आगे इसका काम चल रहा है, वो मैं आपको काम भी दिखाऊंगा, प्लस इस रोड के ऊपर कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम। अभी मैं बाइक कार आपको VR5 रोड पे लेके जाऊंगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया, अभी हम मध्य मार्ग एक्सटेंशन पे थे। जी हाँ, हमने मेडी सिटी, बैक साइड में हमारे मेडी सिटी है, अभी हम इको सिटी 1 में खड़े हैं। तो VR5 रोड है जो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप मेरे राइट हैंड साइड में देखेंगे, सामने ये VR5 है, ये 6 लेन बना हुआ है रोड ऑलरेडी, और मेरे राइट हैंड साइड में सेक्टर 6 आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास 100 स्क्वायर यार्ड और 200 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट हैं, साथ में यहाँ पे कमर्शियल भी है, और इस साइड में हमारा सेक्टर 5 आ जाता है। जी हाँ, लेफ्ट हैंड साइड। तो इस साइड आप देखेंगे शोरूम्स हैं, यहाँ इस साइड हमारे जो शोरूम्स के मार्केट की बैक साइड पे 500 स्क्वायर यार्ड, 400 स्क्वायर यार्ड और 300 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स यहाँ पे इको सिटी 1 में आपको मिल जाएंगे। आप देख रहे होंगे पार्क और जो इसकी डेवलपमेंट है बहुत ही अच्छी है। गमाडा की तरफ से इसको बहुत ही अच्छे से तैयार किया गया है, और अगर आप 100 और 200 गज या इस साइड दोनों तरफ निगाह मारेंगे तो ये काफ़ी एरिया है जो पूरा डेवलप हो चुका है, ऑक्युपाइड हो चुका है। फैमिलीज, बहुत सारी फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं, मोर देन 1200। जी हाँ, 1200+ ये फैमिलीज यहाँ पे ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी हैं। तो प्राइसिंग की बात करें तो 100 स्क्वायर यार्ड का जो प्लॉट है अप्रोक्स आपको इको सिटी में कॉस्ट करेगा 88 लाख। जी हाँ, 88 लाख से लेके 1 करोड़ 1 करोड़ प्लस के भी कुछ प्लॉटिंग यहाँ पे आ जाती है। ऐसी 200 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट आपको अप्रोक्स 1 करोड़ 30 लाख 40 लाख से स्टार्ट है, सॉरी यहाँ पे 1.40 पे वो थोड़ी आउट लोकेशन मिलेगी, 1.60 1.70 तक चला जाता है। जी हाँ, जो एवरेज बात रेट की बात करें तो हमारा जो 70,000 से लेके जो बड़े प्लॉट्स हैं 300, 400, 500 स्क्वायर यार्ड के 1 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड तक की यहाँ पे प्लॉटिंग है, और डिपेंड करता है आप कैसी लोकेशन पे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सेक्टर 5 इस साइड है और 5-6 सेक्टर है। अगर आप सामने देखेंगे तो ये सेकेंड राउंड अबाउट आ जाता है, इसके बाद हमारा जो DLF का प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। जी हाँ, DLF अगर आप देखेंगे तो सबसे बेस्ट ब्रांड माना जा रहा है हमारा इंडिया का, क्योंकि इनकी प्लानिंग बहुत ही जबरदस्त होती है। जैसे कि आपने देखा है चंडीगढ़ और न्यू चंडीगढ़ में सारे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रोड हैं, जैसे कि हम ये VR वर्टिकल रोड पे ही जा रहे हैं। ऐसी अगर इसकी टाउनशिप की बात करें DLF के जो इंटरनल रोड भी हैं वो भी आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रोड ही रहेंगे। जी हाँ, मेरे जो अगर राइट हैंड साइड में देखेंगे तो DLF की R1 पॉकेट है। जी हाँ, ग्रीनरी आप देख रहे होंगे काफी, इसके साथ ही बिल्कुल मार्केट है, मार्केट की बैक साइड पे प्लॉटिंग है 350-500 स्क्वायर यार्ड की। इसके बाद हमारे पास 350 गज में ही फ्लोर्स बना के दिए हुए हैं, और मेरे लेफ्ट में ये क्लब हाउस दिख रहा होगा आपको DLF का। जी हाँ, ये क्लब हाउस है, ग्रीनरी काफी ज्यादा है, सेम ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। 350-500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट है, उसकी बैक साइड पे आपको फ्लोर्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी है, बैरिगेटिंग सारा कुछ आप देखेंगे, और फुल्ली ये अगर आप देखेंगे फेंसिंग हो रखी है पूरे के पूरे DLF की। जी हाँ, इसमें एंट्री एग्जिट पे आपको सिक्योरिटी में, बाकी पूरी की पूरी फेंसिंग हो चुकी है। तो इसका प्राइस भी अप्रोक्स 350 गज का जो प्लॉट स्टार्ट हो जाता है 2.5 करोड़ से लेके 3 करोड़ तक चला जाता है, और 500 स्क्वायर यार्ड का जो प्लॉट है 3.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक चला जाता है। जी हाँ, अगर हम VR5 की बात कर रहे थे तो यहाँ पे हमारा VR5 रोड की जो ऑलरेडी बना हुआ था DLF तक, अगर आप सामने देखेंगे तो यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन अगर देखें, डिगिंग हुई पड़ी है। ये भी एक 200 फीट का रोड है जो एक सेक्टर रोड है, सेक्टर डिवाइडिंग रोड रहेगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये उद्योग मार्ग की एक्सटेंशन इसको हम बोल सकते हैं। जी हाँ, जो 17-22 वाला रोड है धनासा के खत्म हो जाता है, उसके आगे इसकी एक्सटेंशन ये बन रही है। ये मनोहर सिंह से होता हुआ ये साइड को अपना अंबिका इको सिटी 2 की तरफ निकल जाएगा।
तो फ्रेंड्स इसी रोड पे अगर हम आते हैं तो मैंने आपको बताया था वीआर 5 का काम चल रहा है, आरमोस से कनेक्टेड हो चुका है, इसकी काम पूरा जोरों शोरों से चल रहा है। अगर ऑफिशियली कनेक्टेड इसका ब्लैक टॉप वगैरह इन्होंने शुरू कर देना, यहाँ पे चौक बनेगा, उसके बाद यानी डीएलएफ के बाद हमारा वीआर 5 पे जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ जाता है, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर पंजाब कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी, जी हाँ, जिसको हम शॉर्ट में ऑफिसर सोसाइटी भी बोल देते हैं। ये ऑल्टस के बिल्कुल एडजॉइनिंग रहेगा। आप देख रहे होंगे कि रोड का काम सारा, डिगिंग वगैरह सारी हो चुकी है, सीवरेज डल चुका है, मिट्टी डल गई है, अभी इस पे गटका डलना शुरू हो गया है। होप सो 4-5 मंथ 6 मंथ में ये रोड जो मध्य मार्ग से दक्षिण मार्ग को कनेक्टेड हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर हम ग्रेटर पंजाब ऑफिसर सोसाइटी के में बात करें तो ये एक सोसाइटी थी, ऑफिसर्स ने बनाई थी, बट अभी यहाँ पे एनीबडी कैन बाय, जी हाँ, कोई भी यहाँ पे बाय कर सकता है। यहाँ पे जो प्लॉट साइज है हमारे पास, इसमें शेयर सर्टिफिकेट है जो ट्रांसफ़र होता है, 350 मिनिमम है, 350, 500 और 1000 स्क्वायर यार्ड के, जी हाँ। अगर जैसे हम जिस 200 फीट रोड को हम वीआर 5 पे चल रहे हैं तो इसके ऊपर जैसे कुछ प्लॉट्स हैं, इसको 1000 गज को फेसिंग करते हैं, ये 2 कनाल के प्लॉट हैं जिसका शेयर है ये 1000 गज का, जिसमें 950 गज का आपको प्लॉटिंग मिलती है, तो ये अप्रोक्स कॉस्ट करता है 8 crore के आसपास। अगर इसकी बैक साइड वाले लेते हैं वो हमारे पास 5 crore to 6 crore तक चले जाते हैं, जो एवरेज यहाँ का रेट है। 350 गज का शेयर लीजिए, चाहे आप 500 का लीजिए, 1000 का लीजिए, 60,000 से लेके यानी 50-60,000 से लेके 70,000-80,000 रुपये तक चला जाता है। तो फ्रेंड्स बाकी इसमें डिपेंड्स करता है आप कैसी लोकेशन देखते हैं, कैसी ये सारी चीज़ें वरी करती हैं। हमारे पास काफ़ी यहाँ पे लीड्स पड़ी हैं, आप 350-500 स्क्वायर यार्ड का यहाँ पे प्लॉट ले सकते हैं। तो इसी ग्रेटर पंजाब को जस्ट हम क्लोज करते हैं। अभी मैं बताना चाहूँगा कि जो हमने लास्ट रोड क्रॉस किया था देव मार्ग की एक्सटेंशन, उसके बाद हमारे जो सेक्टर्स आ जाते हैं, इस साइड हमारा सेक्टर 14 आ जाता है, यानी कि मेरे राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा सेक्टर 15 आ जाता है। और उसके बाद अगर देखेंगे सेक्टर 14-15 में एक राउंड अबाउट बना हुआ है, इससे पहले हमारा ग्रेटर पंजाब ऑफिसर सोसाइटी की प्लॉटिंग थी, उसके बाद हमारा जो प्लॉटिंग आ जाती है ये आ जाती है हमारी अल्टर स्पेस बिल्डर फेज वन, जिसको बोल देते हैं हम सी और डी पॉकेट। अगर आप मेरे राइट हैंड साइड में देखेंगे तो इसको हम सी पॉकेट बोल देते हैं, ये इसको डिवाइड करता है 100 फीट का रोड, जिसको हम HR5 बोल देते हैं, यानी ग्रेटर पंजाब ऑफिसर सोसाइटी और अल्टर स्पेस फेज वन को। तो फ्रेंड्स ये अभी मैं VR5 रोड पे ही जा रहा हूँ, आप अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर काम चल रहा है, सामने मशीन काफी आपको देखने को मिली होंगी, मशीन से काम चल रहा है, डिगिंग चल रही है सारी, जी हाँ। और इस रोड पे भी हमारे ऊपर हमारे पास जो प्लॉटिंग पड़ी है 500 स्क्वायर यार्ड की प्लॉटिंग है। ऑल्टस फेज वन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको किस किस साइज के प्लॉट मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको 100 स्क्वायर यार्ड मिल जाएगा, उसके बाद हमारे पास 180 स्क्वायर यार्ड के हैं, 238, 333 स्क्वायर यार्ड, 475 स्क्वायर यार्ड, और कुछ प्लॉट यहाँ पे 950 स्क्वायर यार्ड के भी हैं। अगर हम बात करें 100 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है, आपको सी और डी दोनों पॉकेट्स में मिल जाएगा। अभी अगर हम बात करें जिस रोड पे हम जा रहे हैं, जी हाँ, VR5 की जो काम चल रहा है, मैंने आपको बता रहा था ये दक्षिण मार्ग के यानी स्टेडियम रोड पे मैं आपको लेके जाऊंगा बाई कार इसमें। तो फ्रेंड इस रोड के ऊपर हमारे 475 स्क्वायर यार्ड का प्लॉटिंग है, यानी जो फ्रंट भी करते हैं इस रोड को, जी हाँ, 200 फीट रोड को फेसिंग प्लॉट्स रहेंगे ये आपके। तो ये आपको अप्रोक्स कॉस्ट करते हैं 2 crore 70-80 lakh से लेके 2.25 crore के बीच में। तो इसकी जो बैक साइड के प्लॉट होते हैं बैक टू बैक, जो 200 फीट रोड को नहीं, उसकी बैक साइड के, क्योंकि बैक टू बैक प्लॉट होते हैं यहाँ पे, वो आपको अप्रोक्स कॉस्ट करता है 2.5 crore के आसपास, जी हाँ। वैसे मेरे पास जो मिनिमम स्टार्ट हो जाता है 2 crore 30 lakh से स्टार्ट है, बाकी मेरे पास कुछ प्लॉट्स ऐसे भी हैं जो इंटरनल की लोकेशन में पड़े हैं, बाकी वो 475 स्क्वायर यार्ड के हैं, बट वो आपको कॉस्ट करेंगे अप्रोक्स 2 crore, जी हाँ। ये न्यू चंडीगढ़ का जो ऑल्टस का प्रोजेक्ट है, ये न्यू चंडीगढ़ का सबसे सस्ता प्रोजेक्ट है आज की डेट में, क्योंकि पोजेशन रेडी है और इस पर जितने भी बैंक हैं सभी लोन भी कर रहे हैं, तो थोड़ी डेवलपमेंट इस प्रोजेक्ट की स्लो है, दैट्स व्हाई इसके प्राइस कम है। अगर आप देखेंगे तो सामने 333 स्क्वायर यार्ड के प्लॉटिंग काफ़ी अच्छी बनी हुई है। तो हम बात कर रहे थे 100 गज का प्लॉट है जो आपको 65-70 lakh के बीच में मिल जाएगा, उसके बाद 238 स्क्वायर यार्ड है वो आपको अप्रोक्स 1 crore 20 lakh से 1 crore 30 lakh के बीच में मिलेगा, 333 स्क्वायर यार्ड है वो आपको 1 crore 55 lakh से लेके 1 crore 65-70 lakh तक चला जाता है, और ऐसी 475 स्क्वायर यार्ड का जो मैंने आपको प्लॉट बताया था वो मेरे पास 2 crore से स्टार्ट होके 3 crore तक चला जाता है।
तो फ्रेंड्स ये ऑल्टस है, अब भी एक्चुअली थोड़ी सी कनेक्टिविटी की दिक्कत है क्योंकि काम चल रहा है। अभी मेरी जो गाड़ी है वो नीचे लग जाती है क्योंकि काफ़ी कच्चा था, अभी मैं कच्चे से ही लेके आऊँ क्योंकि रोड का काम चल रहा है। अभी मैं इंटरनल रोड से जा रहा हूँ ऑल्टस की। जी हाँ, ये जो पॉकेट है 238 गज और 100 स्क्वायर यार्ड की प्लॉटिंग है, यहाँ पे भी काफ़ी फैमिलीज ऑलरेडी आ चुकी हैं। जी हाँ, काम होप सो ये जो VR5 है, जो लिंक है, ये आपका मध्य मार्ग से दक्षिण मार्ग में को बहुत ही शॉर्ट टाइम में है। जी हाँ, 4 to 5 मंथ आपने देखा, ये काम देख के आपको लगा होगा कि 4 to 5 मंथ में ये लिंक हो जाना चाहिए क्योंकि घुमाड़ा इस रोड को बना रही है, ये कोई प्राइवेट बिल्डर या कुछ नहीं करे। तो फ्रेंड्स अभी हम रोड के बिल्कुल साथ साथ जो इंटरनल रोड है उससे जा रहे हैं। तो अभी मैं आपको सामने, अगर आप देखोगे जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, ट्रक वगैरह खड़े हैं, वो हमारा जो स्टेडियम रोड है, जी हाँ, जिसको हम दक्षिण मार्ग बोल देते हैं, ये बिल्कुल उसके पास ही खड़ी हैं। अभी मैं आपको एरिया दिखा दूंगा, रोड्स पे काफ़ी गाड़ियाँ आ जा रही होंगी। फ्रेंड्स ये ऑल्टस का, यानी कि अगर हम बात करें तो ऑल्टस की एक एंट्री हमारी दक्षिण मार्ग से भी रहेगी। जी हाँ, ये दक्षिण मार्ग जो स्टेडियम रोड है, इससे भी हमारे जो ऑल्टस फेज़ वन है, इसकी पॉकेट की हमारी एंट्री रहेगी। अगर आप बिल्कुल मेरे सामने देखेंगे तो ये हमारा दक्षिण मार्ग, जी हाँ, दक्षिण मार्ग जिसको हम स्टेडियम रोड बोल देते हैं, ये हमारा स्टेडियम रोड आप देख रहे होंगे। जी हाँ, ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं, बाइक्स वगैरह है सारा, ये हमारा स्टेडियम रोड है, दक्षिण मार्ग एक्सटेंशन, जो किसान भवन ट्रिब्यून चौक वाला रोड है, जीरकपुर से आता है, ये इसी के एक्सटेंशन है। एक यानी कि ऑल्टस की एंट्री यहाँ से भी रहेगी। ये हमारा जो डिगिंग देख रहे हैं, ये हमारा VR5, यानी कि VR5 हमारा मेडी सिटी से स्टार्ट होता है, उसके बाद इको सिटी, फिर DLF, ग्रेटर पंजाब ऑफिसर सोसाइटी और ऑल्टस के बाद ये दक्षिण मार्ग पे आके खत्म हो जाता है। फ्यूचर एक्सटेंशन अभी इसकी प्लानिंग में नहीं है, प्लानिंग में है इसका काम का भी नोटिफिकेशन नहीं हुआ है कि इसका टेंडर किसको जाएगा। अभी जो टेंडर हुआ है वो मध्य मार्ग से दक्षिण मार्ग के साथ अटैच का होने का हुआ है। तो फ्रेंड्स ये था VR5 का अपडेट। अगर इसके अलावा आप न्यू चंडीगढ़ की किसी और प्रॉपर्टी के बारे में, किसी और प्रोजेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो हमारे जो स्क्रीन पे मेंशन नंबर है, आप उन नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी हौसला देता है कि हम आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बना के देते रहें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपका एक छोटा सा क्लिक हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच। प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलें।